वैक्सीन नीति पर केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, इमेज चमकाने के लिए वैक्सीन का निर्यात, मनीष सिसोदिया ने कहा। इमेज के चक्कर में अपनों को मरने को छोड़ा, मनीष सिसोदिया ने कहा। 2 महीने में केंद्र ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दिया, 2 महीने में भारत में 1 लाख लोगों को की मौत हो गई, मनीष सिसोदिया ने यह कहा। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जिसको मैं कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं सीधे आऊंगा धीरज कौल जी के पास। सर, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, ये खबर है इसलिए बताना जरूरी था, लेकिन आपको लगता नहीं है कि भारत ने कोरोना को लेकर अपनी चेस्ट थंपिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी? पिछली बार हमने कोरोना के ऊपर जीत का ऐलान कर दिया, और जब फरवरी में 20,000, जनवरी में 20,000 तक आंकड़े आ रहे थे, हमें लगा कि कोरोना चला गया, और एकाएक ये स्पाइक हुआ और हम ये भूल गए कि कोरोना की डबलिंग जो होती है वो अप्रत्याशित होती है, अनप्रेसिडेंटेड होती है। देखिए, जानना जरूरी है कि 2020 में हमने बहुत अच्छा काम किया, वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट किया, ड्रग्स बनाई, वैक्सीन मास प्रोडक्शन किया, पर बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात को नवंबर, दिसंबर, जनवरी तीनों महीने रेज करता रहा कि अपना गार्ड डाउन मत करिए भारत में भी। और हमने देखा कि सबसे पहले तो प्रोटेस्ट शुरू हो गए भारत के अंदर, जो आप देख रहे थे दिल्ली के बाहर, आपको नंबर सब दिख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। उस टाइम भी लोगों को लग रहा था हम बहुत यंग हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होगा, हम फार्मर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर टू, हमने रैली, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ इसी पॉइंट पर। ब्लैक लाइव्स मैटर, जितना मैं अमेरिका में मुझे याद है, फिर अमेरिका में इलेक्शंस, और उसके बाद अमेरिका में 3 लाख पर डे तक के आंकड़े गए जनवरी तक, और ये भारत के लिए लेसन था। जनवरी में जो अमेरिका में हुआ वो मार्च में हुआ अमेरिका में, और ये मैं 2021 की बात कर रहा हूं, अमेरिका में जो हालात फरवरी में हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर मार्च में जो हालात हुए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से वापस गए हैं, फिर मार्च अप्रैल में अमेरिका में हालात खराब हुए, फिर वो हालात भारत में जून जुलाई में हुए, यानी कि हम अमेरिका से करीब 3 महीने पीछे चलते हैं, जो उनके यहां होता है उसके बाद 3 महीने बाद, 1 क्वार्टर के बाद हमारे यहां होता है। ये पैटर्न हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, सबसे जरूरी जानना है कि जो हमने एक्शंस किए उसके बाद हमारा रिलीजियस गैदरिंग्स हुई, तो ये जो पैटर्न थे सर, मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हमारा आर नॉट जो होता है, जो दिखाता है 100 आदमी से कल 100 को लगा तो आर नॉट 1, 100 आदमी से 200 को लगा तो आर नॉट 2, आर नॉट 1 जैसे ही ऊपर होता है हम लोग ट्वीक कर, हम एडजस्ट करते हैं लॉकडाउन के मेजर्स, कहीं ना कहीं सब लोग सो रहे थे उसके ऊपर। ये फरवरी थी, अचानक नहीं आया, ये लोली ब्रू कर रहा था, उसको इग्नोर किया गया। और कोरोना एक ऐसा वायरस है, बहुत ब्रूटल है, वो आपको पनिश करता है अगर आप उसकी बात नहीं सुनेंगे, और यही हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, पॉलिटिशियंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एडवाइजर हैं, जिनका काम है देश को एडवाइज करना, वो क्या कर रहे थे? उनका डाटा कलेक्टिंग तंत्र कहां था? उनका मेडिकल सर्वेलेंस कहां था? वो क्या कर रहे थे? अगर देखिए, इफ यू रियली लुक एट इट, बारिंग केरला, बारिंग केरला, जहां पर कई सारी चीजों की तैयारी पहले से चल रही थी, इंक्लूडिंग स्टॉक्स ऑफ रेमडेसिविर, और वो जो एक बड़ी मुश्किल दवाई है, मैं नाम ही नहीं ले पाता, टोसी जो करके जो नवा नाम लिया डॉक्टर श्याम अग्रवाल साहब ने, वो उसके स्टॉक्स उनके पास थे, क्योंकि जनवरी फरवरी में तो उसके स्टॉक्स की जरूरत ही नहीं थी भारत में, तो हमने एकदम अपने गार्ड्स डाउन कर दिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।